तो फ्रेंड्स अनायजा यहाँ पे फिशिंग कर रही है, ये देखिए। नहीं नहीं, पहले ये जलाए जाएंगे, फिर जब ये जल जाएंगे राख बन जाएगी। रीवटस करनी है लड़का। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अब गंगा नदी को देखने के लिए करीब से। ये अन्नू की जैकेट पहने, ये अज्जू भाई के अपने भाई की पहने। बहुत मेहनत करती है अपनी। हाँ, बहुत मेहनत करती। महिला फर्स्ट थी, तुम भी नहीं आई, तुम्हें हम बुतिया से बुला रहे थे। वर्ल्ड में वेल मछली मिली थी वो इसी नदी में मिली थी। वेल मछलियाँ इसी से पाई जाती हैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ना जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, वो भी बहुत ही अच्छी जगह, तो आप लोग को व्लॉग में दिखाऊंगी। इससे पहले ना मैं खाने पीने की तैयारी कर ले रही हूँ। मैं बना रही हूँ बिरयानी, जिसकी सारी तैयारी हो चुकी है। चावल वगैरह मैंने सारे भिगा दिए थे और मसाला मैं पीसने जा रही हूँ। पूरी तैयारी करूँगी इंशाल्लाह, मैं आपको हर चीज़ दिखाती रहूँगी। और वहाँ ढेर सारी मस्ती करी है, पूरी व्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। चावल हमारे इधर बॉयल करने के लिए मैंने पानी रख दिया था और इधर कोरमा रेडी हो रहा है। बस खाना तैयार होगा, इसके बाद हम लोग सीधे तैयार होंगे, निकलेंगे। फूफी जान से दही की फुलकियों के लिए बोल दिया था, वो बहुत अच्छी बनाती हैं, तो उनसे कह दिया था, तो उन्होंने दही की फुलकियाँ तैयार कर दी। इधर हमने सना के लिए भी थोड़ी सी निकाल के रख दी है। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, खाना रेडी हो चुका है, सारे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, सब लोग हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होने के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस। अनायजा भी रेडी हो गई है, अनायजा की ड्रेस का गॉगल देखिए कैसा लग रहा है। वाओ, हमारी दो कबूतरियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये रख लो, ये रख लो, ये हम मात को शायद जरूरत पड़े। माचिस 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 हमने भिजवाई थी। चलो बैठो बैठो बैठो। तो फ्रेंड्स हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बस गाड़ी चली थी, भैया का कॉल भी आ गया था तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। इधर हम लोगों ने सोचा अपने अपने गॉगल निकाल के लगा लेते हैं, लाए क्यों हैं, मस्ती करने के लिए, तो अब हम मस्ती भी करेंगे और हमें अच्छा भी दिखना है। तो हम लोगों ने क्या करा, अपने अपने गॉगल निकाले और फटाफट से लगा लिए। पप्पी जान का भी दिल चाह रहा था, उन्होंने भी अपना निकाला और लगा लिया। माशाल्लाह से सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। मैं तो जा रही हूँ सेकेंड टाइम, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो चलिए इन्जॉय करते हैं, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत लंबा भाई, पूरी एशिया का सबसे लंबा है, एशिया का सबसे लंबा ब्रिज, एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है ये हमारे यहाँ का गंगा ब्रिज। चाइना ये आपको दिखाते हैं 17 किलोमीटर लंबा ब्रिज। हाँ चलो स्टार्ट, टाइमिंग एक नहीं, टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे, फिर देखेंगे 17 किलोमीटर कितनी देर में पहुँचाते हैं। 17 किलोमीटर गाड़ी ये तो मेरे भाई के, ये तो मेरे भाई के हाथों में है कि कितनी तेज पहुँचाते हैं। 180 की स्पीड से चला रहे हैं, ये स्पीड है इनकी 180 की स्पीड। बाइक वाला निकल के आ गया हम लोगों से, बाइक वाला 200 की स्पीड से, स्पोर्ट बाइक में। हाँ दिख रही है। सबसे पहले जो वर्ल्ड में वेल मछली मिली थी वो इसी नदी में मिली थी। वेल मछलियाँ इसी से पाई जाती हैं। अच्छा अच्छा। काफी इंसानों को खा चुकी हैं आपकी वेल मछली, बहुत खतरनाक होती है। ओके को भैया नंगू पंगू कर दिया गया, नंगू पंगू कर दिया गया। हमाद ने कर लिया वॉमिट और हमाद हो गए ऐसी कंडीशन में। उधर साइड, उधर साइड आता है, हालत हो गई खराब। ये कहीं यहाँ पे हैंड पैक था, पानी मिल गया हम लोगों को। अरे अन्नु से नहीं कुछ उठ रहा ना, अन्नू गोबर कंडे तुम उठाओ, जैसे इससे पहले उठाए थे तुमने। हाँ
जैकेट तो तुमने चेंज कर ली ब्लॉग के चक्कर में। तारीफ। तो पानी उठा लिया है हमने, ये लीजिए। तो हम लोग ये वाली रास्ता जाएंगे और ये है दरगाह। तो हम इधर से ना जाके बल्कि इधर जाएंगे क्योंकि हम लोग शूज़ पहने हुए, यहाँ शूज़ पहनना मना है। भैया गाड़ी लॉक कर दो। तो इधर से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से जाने में ये है कि यहाँ पे स्लीपर पहन के आराम से जा सकते हैं और वहाँ पे स्लीपर उतारना पड़ेगा। वहाँ पे अम्मी और अनायजा दोनों लोग हैं। तो बस हमारी यही रास्ता है, हम यहीं से जाएंगे। ये पीछे की और नीचे की रास्ता है। हाँ यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। यही बिरयानी भी ला के रख देते हैं। ठीक, कैमरामैन चांद नवाब। बहुत मेहनत करती हैं अपनी। इससे अच्छा एक गाड़ी उन्हें कहाँ की लाई लेके आए। ये फायदा होता है, खाने की तारीफ करते रहिए और लजीज लजीज खाने खाते रहिए और खाने की तारीफ करते रहिए। तो गाइस हमारा दस्तरखान बिछ गया है। आ जाओ बिरयानी निकालो, आओ सुन बुलाओ। तो फ्रेंड्स बस आते ही ना सबने खाने की फरमाइश कर दी, भूख भी सबको बहुत तेज़ लग रही थी और बिरयानी भी हमारी ठंडी होती, तो हमने सोचा सबसे पहले बिरयानी खा लेते हैं वरना ये ठंडी हो जाएगी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। सना के लिए मैं बिरयानी निकाल के आई थी क्योंकि उसे ही भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए भी निकाल देते हैं। बस निकालेंगे और फटाफट सबको खिलाएंगे खाना, इसके बाद ना दूसरे काम करेंगे। दादी सब लोग बैठ जाइए भाई, सब लोग। अन्नू कहाँ है? दूध ना और कम पिलाएंगे, क्वांटिटी कम। हाँ थोड़ा ये ली, दही फुल्की के लिए प्यालियाँ लीजिए, दही फुल्की के लिए प्यालियाँ। ये बाबा देख रहे जानू भाई, मजाक ना करो, पट्टी लेंगे। ये देखो पप्पी जान को देखो कैसे बैठी है। मजाक बिल्कुल बदतमीजी नहीं, सबको देते रहो। ये अन्नू की जैकेट पहने हैं, ये अज्जू भाई के अपने भाई की पहने हैं। हाँ? इसके पास खाली सारी नीली जैकेट है हमारी है। हमने तुमसे टोका तो तुम भाई को पहना है, चलो कोई बात नहीं। हमारे पोस्ट भी है, फोटो भी है इंस्टाग्राम पे। अच्छा कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं, अन्नू की ही जैकेट है। अतर हुसैन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर अतर 99। ओहो और ये बहुत बड़े टिकटॉकर भी रह चुके हैं। टिकटॉक अरे अरे खत्म हो गई, लाओ भैया बिरयानी दे। तो फ्रेंड्स सबको खाना खिला दिया, इसके बाद मैं और पप्पी जान रह गए थे। तो बस मैं खाना खाने लगी तो मारिया यहाँ पे मेरी वीडियो बनाने लगी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा भी आया खाना खाने में, बहुत ही यमी बिरयानी बनी थी। तो फ्रेंड्स इधर ना शकरकंद भुनने का इंतज़ाम होने लगा था, थोड़े से कंडे ना नम थे यानी थोड़े से गीले थे, तो इसलिए सूखी लकड़ियों का इंतज़ाम ये लोग कर रहे थे, तोड़ रहे थे लकड़ियाँ कि थोड़ी लकड़ियाँ मिल जाएँ जिससे कंडे आसानी से जल जाए। जाहिर को बहुत ही अच्छी स्टाइल से शकरकंद आलू भुनना बहुत अच्छे से आते हैं, तो उसने देखिए कितने अच्छे से कंडों को लगाया है बहुत ही अच्छे से, इससे ना बहुत ही आसानी से कंडे जल जाते हैं। ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, देखिए कितनी अच्छे से आग जल गई है। कैसा लग रहा है? गर्मी है। मस्त। अनायजा बेटा महिला फर्स्ट थी, तुम भी नहीं आई, तुम्हें तेर से बुला रहे थे। उसे तुमने खिलाया? उसे खिलाया? हाँ तो बस ठीक है, जल्दी दे। अच्छी जल्दी अब जल जाएगी। उधर क्या नाम है, हो सकता थोड़े से नम कंडे हो। देख लिया क्या, ये सब है, पूरा है, इन लोगों ने खा लिया, सबने खा लिया यहाँ, बस वहाँ वाले और हम रह गए। चलो भी वहीं चलते हैं। आ चलो माया वहीं चले। है या? बहुत अच्छा है। ज्यादा ऊँचा निकल जाओगे, अरुण भाई बटो नहीं पाएंगे। ये तुम पकड़ लो। पपीते की तलाश में हम लोग भाग रहे हैं। लाया भाई मेरा, वाओ बहुत अच्छा टेस्टी।
नहीं पपीता यार वाकई में अच्छा है, इस टाइम पपीता अच्छा आ नहीं रहा है, लेकिन उसने कहा था पपीता पपीता ले जाओ उसने यही करता है। हम जब लेने गए उसने कहा पपीता भी पपीता तो हाथ में नहीं आ रहा हमारे, है ही नहीं अच्छा। उसने कहा था इस सीजन में तुमने जब जितने भी पपीते खाए होंगे सबसे अच्छा होगा, नहीं अच्छा पपीता अच्छा है। क्या धूल कितनी लगी, हम तुम्हें बहुत मारेंगे बेटा, जिसकी जैकेट मांग के लाए हो फिर वो भी कहेगा, फिर वो भी कहेगा ये क्या करके लाए हो, ये हाथ देखे ये अपनी है, ये ऐसे करके जाएंगे अब ये चला देंगे, ये रील चला दिया तुमने जैकेट मांग के लेकर आया, वीआईपी जैकेट लाए परेड पे ऐसे नहीं, नहीं पहले ये जलाए जाएंगे, फिर जब ये जल जाएंगे राख बन जाएगी, इसके बाद शकरकंद रखी जाएगी, फिर इसके ऊपर से कोई वो रख दिए जाएंगे कंडे, वैसे बनती है। हम ये सोचे कि मतलब शकरकंद रखी वो रखी है तो भूल में नहीं, खाली कंडे जला के पता चले अपने राख, खाली कंडे जलाए जा रहे हैं अब बेटा दोनों सुम्बल तुम्हारे कपड़ों में दोनों दुपट्टों ने पोंछा है, ये देखो एक तू बदबू मारने लगी, लास्ट लास्ट भी उल्टियां कर रही जैक की, ये जो कच्चे कच्चे हैं इसमें डाल के पक जाएंगे, ओहो उन्होंने फौरन ब्लॉग चालू कर दिया, हमने डंडा पकड़ते ही लाओ वो कहां है चलेगा। तो क्या भून रहे हो तुम, शुगर कैन भून रहा हूं मैं, शुगर कैन छोड़ो यार तुम कलर गए यार, अन्नू काम करो, अन्नू काम करो भाई काम करो, देर नहीं लग जाएगी, हाँ देर नहीं हो जाएगी, फिर ये रखो अब वैसे हो जाएगी, चलो जल्दी चलो जल्दी करो जल्दी करो, क्या बताएं गलत आ गए, चलो नेक्स्ट टाइम ना आना, बच्चा लेके बैठ जाओ वो भी जान लेता बच्चा लेके बैठ जाओ, काम नहीं करना पड़ेगा ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसके ऊपर पहले ये डाले जाएंगे जले हुए, सुबह तुम डंडा उठाओ, डंडा उठाओ सुबह सब डाल ले, इसको मारने के लिए हैं, इसको मारने के लिए बस करवा दे, अम्मी देखी बहुत है यार, हमें गाली दिलवा रहे लाओ बस करो, ये तुम कहां से ले आए, ये हम लोग बहुत बचपन में खाते थे, लो गुड़ वाले हैं देखो, ये बिहार की डिश है, शुक्रिया हैं बिहार की डिश, लो अच्छा चलो बिहार ना जा सके तो बिहार की डिश ही खा रहे हैं बचपन से, लो बिहार जाने की ख्वाहिश भी नहीं है, आइए नीचे आइए, मारिया तुम्हारा कैप कहाँ है, अच्छा लग रहा है प्यारा लग रहा है, चलिए आप लोग नीचे उतरिए, आप लोग की वीडियो बना रहे हैं, आओ आओ चलो, अन्नु कहाँ है, अच्छा हाँ टस कर लेना, टस रीवर टस करनी है, तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अब गंगा नदी को देखने के लिए करीब से, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, नीचे पहुंच के फिर आप लोग को दिखाते हैं, अभी फिलहाल तो नीचे उतर जाएं, ये सब मछली पकड़ी जा रही है, ये देखिए गाइस आज हमको रिवर की टच करना है, चल हम टच करा देंगे, हमने तो उस बार टच कराया था, और अम्मी स्लोली स्लोली आइएगा, ग्लासेस लगाया जाता है आईज में, पर ऐसी जगह पे नहीं आया जाता, तो गाइस हम लोग नीचे जा रहे हैं, मछली शिकार कर, और इससे पहले आए थे हम लोग फ्रेंड्स, भैया ना इस पेड़ पे चढ़े थे वहां तक, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आया था हम लोगों को, और ये है इतनी प्यारी बड़ी सी रिवर, ये गंगा रिवर है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बड़ी रिवर है हमारे यहाँ की, तो माँ मुझे बोटिंग करनी है, अरे लो बोटिंग नहीं कर पाएंगे भैया, यहाँ पे बोट तो नहीं है, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो यहाँ पे थी मछली अभी बहुत बड़ी सी, तो फ्रेंड्स बस हम लोग यहाँ पे सभी लोग आ गए थे नीचे, पापा हम हाथ के साथ ऊपर थे, और यहाँ पे ना गंगा बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी इस टाइम, किसी ने टच नहीं करी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी यहाँ पे लग रहा था हम लोग को, तो फ्रेंड्स अनायजा यहाँ पे फिशिंग कर रही, ये देखिए अंकल फिशिंग कर रहे थे, उनकी डोरी पकड़ के फिशिंग, अनायजा क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं,
जोर से बोलिए, फिशिंग। ये देखिए अनाजा फिशिंग कर रही है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अब हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर इतना ऊपर। बहुत अंदर थी, अंदर थी है? बना लो चिली को। इनकी फिश बहुत अंदर थी। इनकी फिश बहुत अंदर थी अनाजा, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम है ट्राई करा जाएगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, ठीक है चलो। यही रहना है तो यही रहो, तुम यही बैठो पंथी मार के, जगह ढूंढ लो रहने के लिए। लो क्या करना है, बोटिंग करनी है भाई लड़की को। चलो बोटिंग नहीं करनी, अब ऊपर चलना है अनुपम। अरे नहीं, नो नो, बोट कहाँ है? हाँ यार बोट तो आ गई है, मारिया और अनाजा दोनों जा रही बोटिंग करने के लिए। अल्लाह मैं तो डर लग रहा हूँ। नहीं अम्मी अजीब टाइप की तो होती है, होती है जी, मगर डर बिल्कुल नहीं। चलो भाई हम लोग चल रहे हैं ऊपर, हमारी शकरकंद भून रही है, हम जा रहे हैं अपनी शकरकंद देखने के लिए। यालो यालो, मेरी टीम आ रही है पूरी। ऊपर आने के बाद सबकी हालत ऐसी हो जाती है, अम्मी लोग तो रुक रुक के आ रही हैं धीरे धीरे। पापा हम मात के साथ हैं, सो रहा ना, क्या हाल है भाई, तैयार हुई कुछ? अनु भाई तैयार हुई? चलिए अच्छी बात है भाई, चलो हमें चले सरसों खेत में जब तक और घुन जाती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे हैं बागवान। फोटो ले रही हो? वीडियो। अरे यार हम लोग वैसे खड़े बांधते हो, तुम लोग बातें करो आराम से, देखो। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपनी फोटोशूट करवाए और यहाँ पे वीडियो भी बनाई, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर शकरकंद खाने के लिए। आ गए हैं हम लोग ऊपर, शकरकंद हमारी भुन चुकी है। चलो भाई शकरकंद खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, जा भैया कुछ ले लो भाई, चलो सब सामान ले चलो। एक बोल दीजिए ट्रे अभी नीचे जा रहे, वो निकाल के दे रहे हैं गुलगुले। चलते मिला एक बहुत अच्छा टेस्टी सा यम्मी सा स्नैक। नहीं वाकई बहुत टेस्टी है, ऐसे लगने नहीं बस आंटी, बहुत नहीं बहुत अच्छे बने, मस्त बने, मुलायम भी है ऊपर से क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घर, सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अरे नहीं यार, सब लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, बाकी आधे लोग जा चुके हैं नीचे। चलो तो अब ड्राइवर सीट पे बैठ गए अनु भाई हमारे, हमारा छोटा दुलारा प्यारा भाई अनु भाई, चुलबुला सा भाई। हाँ चुलबुला भाई है, चुलबुला। तो फ्रेंड्स बहुत मजा आया, लोग ने बहुत इंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।